जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम ट्यूटर चैनल पर और आप देखेंगे खनन पुलिस बल में 1200 जवान और 150 अफसर होंगे तैनात। खनन विभाग ने 1200 और 150 अफसरों की तैनाती करेगी। राज्य ब्यूरो पटना राज्य में बालू माफिया पर शिकंजा कसने के लिए खनन पुलिस जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगी। दूसरी बात आपसे बता दें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, नहीं किए हैं, क्या करते हैं, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म आप भरते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगा, क्यूज चलाया जाता है। तीसरी बात आपसे, कौन सा फॉर्म है, कब तक एग्जाम होगा, क्या तरीका होगा, यानी कि A to Z रणनीति यहाँ से बताया जाता है। चौथा काम, जो टॉपर होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। पाँचवा काम, शिक्षक लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। छठा काम, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सूचना है वो आप तक पहुँचाया जाता है। तो आप अकेडमिक भी तैयारी करते हैं तो इससे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। चलिए आते हैं। राज्य ब्यूरो पटना राज्य में बालू माफिया पर शिकंजा कसने के लिए खनन पुलिस जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रयास है कि घाटों की बंदोबस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए सिरे से खनन प्रारंभ हो, इससे पूर्व ही खनन पुलिस बल का गठन कर लिया जाए। राज्य के बालू माफिया पर लगातार माफिया के बढ़ते आतंक और बालू के अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर रोक के लिए बीते वर्ष ही खनन पुलिस गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इस पुलिस बल में 1200 से अधिक जवान और करीब 150 से अधिक अधिकारी होंगे। अब तक खनन विभाग में बालू के अवैध कारोबारी के खिलाफ जब कार्रवाई करनी होती थी तो उसे स्थानीय पुलिस बल का सहारा लेना होता था। इस प्रक्रिया में कई बार समय और सहयोग न मिल पाने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती थी। इस समस्या को समाप्त करने के इरादे से खनन एवं भूतत्व विभाग के खनन निगम को अलग से खनन पुलिस बल का गठन किया गया। प्रस्ताव तैयार करने को निर्देश दिए गए थे। प्रस्ताव बनने के बाद इसे स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। अब आइए, आप यहां पे देखेंगे, विभाग ने दिसंबर 2022 में खनन पुलिस बल में संविदा पर नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक और पुलिस निरीक्षकों से 30 जनवरी 2023 तक आवेदन मांगे थे। अब तक 2000 से अधिक आवेदन खनिज विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो निगम जल्द ही प्रस्ताव आवेदनों अप्राप्त आवेदनों का आकलन करने के बाद नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। इस कार्य के मई जून तक पूरा कर ले जाने की संभावना जताई गई है। प्रारंभ में खनन पुलिस के पद पर 6 महीने के लिए नियोजित होगा। 6 महीने के कार्यों के बाद जवानों के कर्मी को समीक्षा होगी, इसके बाद ही उनके अवधि का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने चयन की जो सीमा निर्धारित की उसके तहत आवेदन की आयु अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। जवानों को सेवा के एवज में मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। आप देख लें, ये आवेदन प्रक्रिया जो भी आप किए हैं खनन विभाग के लिए, 1200 जो जवानों के लिए मांगा गया था, जो भी रिटायरमेंट पुलिस वगैरह थे वो किए होंगे, तो इस बात को समझ लें कि आपको मई जून तक ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। आवेदन लेने के बाद इसके चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तीसरी बात आपसे बता दें, जो भी इसमें नियुक्त होंगे उनको मानदेय के रूप में दिया जाएगा और आपको 6 माह का ये नौकरी होगा। उसके बाद आपकी क्या क्या नियति रही है, आप किस तरीका से काम किए हैं, आपका फीडबैक के अनुसार आपको ये बढ़ाया जाएगा। तो और आप जान लें, और एक बात मैं बता दूं, ये जब वैकेंसी निकली थी तो मैं बताया था और आज इस पर दिया गया है तो भी मैं बता रहा हूं। तो जो भी अभ्यर्थी इससे छूट गए होंगे उनको मैं यही कहूंगा कि आप जो भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं वो छूट जाता है। इसका कारण ये है कि आप एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। यदि आप एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी वैकेंसी दिया जाता है, वो सरकारी हो, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो या संविदा वाला हो, या तो इसको सभी जानकारी यहाँ से दिया जाता है। इसलिए आप यहाँ पर जुड़ें और लाभ उठाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।